फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइज, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, जो है एक लव मतलब प्यार की निशानी। बहुत सारे जो लोग हैं अब के टाइम के, हम प्यार की निशानी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी दे सकते हैं, महंगी से महंगी 1 करोड़ की, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते तो थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट चली जाती है। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ी है, और ये ब्रिटिश के टाइम की है, जो एक राजा ने एक रानी के लिए, याद के लिए, ताकि जब आने वाले टाइम में जो लोग हैं वो भी उसको देख के मतलब एक उसको सीखने को मिले, का अच्छा अनुभव मिले कि एक राजा ने एक रानी के लिए इतनी बड़ी चीज़ बनाई। तो गाइज, आज मैं आपको लेके आया हूँ कोलकाता। कोलकाता में ये महल है, इस महल का नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। तो गाइज, ये एक विक्टोरिया एक रानी है, रानी जो है उस राजा ने, रानी के लिए ये महल बनाया गया, रानी की जो मृत्यु हो चुकी थी, तो उनकी याद के लिए, ताकि उस महल को वो देख सके और उनको याद कर सके, उनकी याद के लिए वो महल बनाया गया। और वो टोटली मार्बल से बना हुआ है, और जिन राजा ने ये बनाया है वो ब्रिटिश के टाइम के थे, जब यहाँ पे ब्रिटिश लोग रहते थे तो उस टाइम का ये बना हुआ महल है। और ये टोटली मार्बल से बना हुआ है, बहुत जगह, और इसके साइड में बहुत अच्छे गार्डन हैं, बहुत अच्छा अंदर से खूबसूरत है, और बहुत बड़ा है, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर है। तो गाइज, ये जो महल है ये 1901 में बनाया गया है, और ये जिस राजा ने बनाया उस राजा का नाम है लॉर्ड कर्सन। तो गाइज, ये एक प्यार की निशानी है, जैसे कि हम जानते हैं दिल्ली में ताजमहल है, ताजमहल भी एक प्यार की निशानी है, वैसे ही ये एक विक्टोरिया एक रानी थी उसके लिए, क्योंकि उसने पूरा उसका एक स्टैचू भी बनाया है बाहर, वो सिंहासन पे बैठी है, ऐसे स्टैचू एक बनाया हुआ है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, आप भी सीखोगे। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आप आ सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं फोटोग्राफी या वीडियो मूवी शूटिंग, बहुत सारे यहाँ पर आते हैं पिकनिक के लिए। सबसे अच्छी बात है, आप यहाँ पे पिकनिक करने भी आ सकते हैं, खाना अलाउड है, आप घर से बना के खाना ला सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पर यहाँ पे एक अमाउंट का छोटा टिकट है जो 30 रुपीज़ का है पर पर्सन का, और अंदर आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, कोई टाइमिंग लिमिटेड नहीं है कि आप 1 घंटा या 2 घंटे बैठ सकते हैं। तो गाइस, बहुत अच्छा महल है, हमें बहुत अच्छा लगा, हम पूरी फैमिली, मैं और मेरी वाइफ और हमारा, हम यहाँ पे गए, बहुत अच्छा टाइम रहा हमारा यहाँ पे, और बहुत कुछ सीखने को मिला। और हाँ, इसका मैं एक बता दूँ कि जो विक्टोरिया जो रानी थी, इस कुछ टाइम पहले आपको वहाँ पे विक्टोरिया के बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी वो यूज्ड चीज़ें आपको वहाँ पे रखी गई थी, पर अब वो हटा दी गई है, क्योंकि बहुत बहुत पुराना 901 से भी पहले रानी थी, तो उस टाइम का सामान, उसका जो चीज़ें यूज़ करती थी, उसको अभी के टाइम में मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, तो वो सब हटा दिया गया है अब के टाइम में। यहाँ पे अब जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं, जो पुराने मंत्री लोग थे, सुभाष चंद्र बोस जी जैसे टाइम के जो, तो उनके टाइम का वो चीज़ें अब वहाँ पे रखी हुई है, जैसे कि वो हिसाब रखते थे, उनकी तलवारें, चश्मा, उनकी ड्रेस, वो अब वहाँ पे आपको मिलेगा। अब विक्टोरिया जो रानी है वो उसका सामान आपको नहीं मिलेगा, बाकी जो जैसा है वो वैसा ही मिलेगा, स्टैचू होगा जो पूरा बना हुआ है वो वैसे ही होगा। तो गाइज, इस वीडियो को अंत तक देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर अपना कमेंट और शेयर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ऐसे ही हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। गाइज, वीडियो को अंत तक देखिएगा।
जैसे कि आपने देखा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत बड़े एरिया में है इसका पार्क। जो बाहर बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स और कुछ बहुत अच्छा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो आप फैमिली के साथ। तो गाइज़ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाते रहेंगे गाइज़, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। ओके गाइज़, बाय बाय।